डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ वजन जरूर घटे। सर्च करी हूँ तभी मैं बोल रही हूँ बिल्कुल दावे के साथ, गूगल भी कर सकते हैं आप। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सीना व्लॉग में। आप सब लोग मेरे व्लॉग इतना पसंद कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज कुछ एक दिन बाद ये व्लॉग बना है और आगे बहुत कुछ है। व्लॉग में एक बहुत अच्छी सी रेसिपी है, एक अच्छी सी फैक्ट है, तो बने रहिए व्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है आज का व्लॉग। ये हॉर्लिक्स बिस्कुट दे देगा तो सब्जी वाला को इतना तंग किए। ले 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 ले, तू ले जा। ये बाप रे बाप, ये तेरे छोटे 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 गाय खा लिए, सारा बिस्कुट खा लिए, सब्जी मन को नहीं बहा रही उनकी, पीछे लेना पड़ेगा। गाय भी हॉर्लिक्स बिस्कुट खाता है इधर। देखिए ऊपर आने की तैयारी है इसका, चलो चलो दे रही हूँ, चलो चलो चलो, नहीं जाएगा ये। चलो भाई खा ले तू। हाय राम। फंडा यही था कि उसको ऊपर दे दे के बिस्कुट बाहर लाई, फिर मैं कहीं थोड़ा बाहर निकली क्योंकि घर में कड़ी पत्ता खत्म हो गया है, वही लेने आई हूँ। इतना घना जंगल है, डर लग रहा है मुझे, बहुत सांप निकलते हैं इधर। खूब मजा आता है ये करने में। सबको बंद कर देंगे, चलो सो जाओ। खा ले बेटा, पत्ते भी खा ले कभी कभी। तो जैसे कि थंबनेल से और टाइटल से सबको पता ही चल गया होगा कि कुंदरी का आज रेसिपी बनाऊंगी मैं। कुंदरी जो इंग्लिश में उसको ईवी गॉड कहते हैं,
तो जैसे बोटल गार्ड होता है उसका स्मॉल जो होता है उसको कुंदरी कहते हैं, और सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। इंडिया में बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है और इसी सीजन में मिलता है, जो ये जो ह्यूमिड सीजन में समर से लेकर अगस्त के बीच ये कुंदरी मिलता है। और यहाँ पे ओडिया में उसको कुंदरू कहते हैं, और बाकी जो नॉन ओडिया बाहर है, ओडिशा के बाहर, सब कुंदरी कहते हैं, और कहीं पे इसको टेंडला भी कहते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। पर इसके बारे में ना ये जो मीथ है, जो जिस तथा कथित कहते हैं, जिसके फैक्ट कुछ है नहीं, बस सुनी सुनाई बातें होते हैं कि ये खाने से बुद्धिनाश हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। जब खरीदते भी हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे आप खाते हो, इसको खाने से बुद्धि नाश होता है। तो मैं बोलती हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे पास इसके प्रूफ है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और वो बिल्कुल बहुत जीनियस है, और मेरे बेटा अभी 10th में है, वो बचपन से उसको एक ही वेजिटेबल जो बहुत पसंद आता है वो है कुंदरी, और उसका हमेशा A+ ग्रेड रहता है। तो ये कोई, मैं प्रूव कर चुकी हूँ कि इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि इसको खाने से बुद्धिनाश होता है, बल्कि ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है कुंदरी। और मैं तो कहूँगी जिन इसको डाइट में इंक्लूड करना ही है, जिनका बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाई ब्लड शुगर रहता है, ये बिल्कुल ब्लड प्रेशर को और शुगर को मिनिमाइज करता है, कंट्रोल में रखता है। तो इनको, जिनको बहुत हाई ब्लड प्रेशर और शुगर रहता है, तो वो लोग हर रोज इनका डाइट में एक रहना चाहिए पोर्शन कुंदरी का। और कुंदरी खाने से आपको जो कंस्टिपेशन नहीं होता है, और डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है कुंदरी खाने से, और इसके अंदर एक तत्व है जो मेटाबॉलिज्म को आपका बहुत हेल्दी रखता है, और वो जो फैट को स्टोर होने नहीं देता है, इसलिए मोटापा घटाने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप बहुत दिनों तक कुंदरी ले रहे हैं, अगर ज़्यादा लो बीपी नहीं है आपका, तो आपको जरूर है कि एक महीने तक आप सिर्फ दाल चावल और कुंदरी खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ वजन जरूर घटेगा। तो कुंदरी बहुत तरीके से सब लोग बनाते हैं इसको, बहुत आमली जो भी खाते हैं तो नॉर्मल इसको फ्राई करके खाते हैं ऐसे, कहीं पे कुंदरी का भरता भी होता है, वो बाद में कभी बना लूंगी। पर मैं आज जो बनाई हूँ कुंदरी, वो मेरे सासू माँ की रेसिपी है, बहुत ही बहुत उनका जो रेसिपी है बहुत अच्छा लगता है घर में सबको उसी तरह से खाने का, और आज मैं वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे ख्याल से सब कोई ऐसे ही बनाएगा, जरूर एक बार बना के खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहूँगी कि कुंदरी खाने से कोई बुद्धिनाश नहीं होता है, और ऐसा होता है तो साउथ में हर कोई कुंदरी खाता है भाई, हर रोज खाता है, तो साउथ से सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट निकलते हैं हमारे इंडिया में, तो फिर ऐसा कोई है नहीं, ये बिल्कुल मीथ है। और आप चाहें तो, मैं इसको बहुत पढ़ी हूँ, रिसर्च करी हूँ, तभी मैं बोल रही हूँ बिल्कुल दावे के साथ, गूगल भी कर सकते हैं आप ईवीगढ़ कह के, या फिर कुंदरी कह के आप गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। और इतना जान लीजिए, जो सीजनल डिजीज होता है, जो भी सीजनल डिजीज अगर प्रकृति की बदलने से आता है, तो प्रकृति ही हमको उसका जो इलाज देता है। तो इसीलिए अभी जो सीजन, जो सर्दी जुकाम जो बुखार होता है, आपको कुंदरी खाने से वो बिल्कुल आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी है, क्योंकि वो रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाता है, और वो बहुत ये आम तौर से पाया जाता है। और जिनका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई है, आप उनको अगर कुंदरी का जो स्टेम है, जो उसका डेंटल है और पत्ते का, उसको सब्जी बना के खिलाएंगे, तो बहुत क्विकली रिकवर कर पाएंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। तो फिर बने रहिए, वेजिटेबल कुंदरी का क्या है फैक्ट और किस तरह का ये रेसिपी है, वीडियो में आगे देख रहे हैं आप। कुंदरी को लंबे तौर पे दो हिस्से में काट लीजिए, फिर पानी में नमक डालकर उसको कुछ 8 मिनट के लिए उबाल दीजिए, वो नरम हो जाएगा। खुले ही उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है उसको, थोड़ा सा क्रिस्प रहना है उसको। फिर उसमें आप छान के निकाल दीजिए पूरा पानी, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट कुछ 2-3 चम्मच, और नमक डालिए स्वाद अनुसार, और उस पर हल्दी डालिए, फिर मिर्च पाउडर मिर्च, और आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं पेस्ट करके, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे जो चावल का पीठ होता है ना, राइस पाउडर है, राइस पाउडर इसमें कुछ 2-3 चम्मच डालना है। और अगर चावल पीट नहीं है तो आप थोड़ा सा चावल को भिगो को उसका पेस्ट भी बना सकते हैं, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी उसमें मिलाते हैं कुछ 1-2 चम्मच, और उस सबको फिर मिला लीजिए हाथ से अच्छी तरह से मसल के, जैसे कि वो आपस में चिपक जाए मसाले और कुंदरी। और फिर तावे पे तेल गरम कीजिए और बिल्कुल फूल आँच में डाल दीजिए, और फिर कुछ देर बाद पलट लीजिए। वो तो पका हुआ है, बस उसको ब्राउन करना है हमको,
सुनहरा ब्राउन होने तक, क्रिस्प होने तक उसको थोड़ा सा पलट कर भून लीजिए और कुछ देर ऐसे ही रहने दीजिए। फिर पूरा एकदम आपको लगेगा कड़क हो गया, ब्राउन हो गया, फिर उसको निकाल लीजिए और बस खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है ये, दाल चावल के साथ तो अच्छा लगता है, रोटी सब्जी के, रोटी दाल के साथ भी ये अच्छा लगता है। और इस तरह से बनाइए और खाइए, ये बहुत मज़ेदार लगता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जिगिल, ये केवी का, बड़माल केवी का ये खूबसूरत सा पार्क है बच्चों के लिए। बहुत सुंदर एनवायरनमेंट है। बारिश शुरू हो गया, जिगिल हाँ मजा आ रहा है आ जाओ, बारिश हो गया, आ जाओ। हाँ स्लो करो, रुको। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइए और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈ থাকিম, আমি তো সৰু মানুহ সৰু মানুহ।